अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, और आप लोग मुझे दुआ में याद रखा करें। मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें फैमिली मेम्बर्स में। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आज मैं बनाने लगी हूँ काली मिर्चों का मटर पुलाव। ये है मटर, ठीक है, ये तीन पाव थे निकले हैं ये, ठीक है। तीन पाव मटर लिए थे मैंने, एक किलो चावल है, चावल मैंने भीगे में रखे हुए, और ये प्याज ले लिए मैंने, एक बड़ी प्याज थी और एक छोटी सी डेढ़ समझे, ठीक है। और ये लहसुन लहसुन लिया है, अदरक, और ये मसाला बता रही हूँ। काली मिर्चें लिए दो स्पून, ज़ीरा, ये छोटी मिर्ची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, लौंगी, ठीक है। इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। इसमें हम डालेंगे मेरा चिटकू सा है ग्राइंड, एकदम ग्राइंड, इनको इग्नोर करें, गन को मैंने अभी काम किया, साथ साथ डालते रहेंगे गन को भी, ठीक है। कूड़े में बिस्मिल्लाह, कितने ये हमने डाल दिया सारा कुछ, मसाला तैयार कर रहे हैं हम, और बिस्मिल्लाह। तो मेरे को अभी स्टैंड नहीं लगाया तो इसी तरह बिस्मिल्लाह। इसके बाद हल्दी मामूल थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, ये देखिए जी, ये थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, ठीक सा मसाला बने इसलिए थोड़ा सा पानी डाल लिया। जितनी देर में ग्लैंड होता है हम इसके, देखिए हमने चूल्हे पर रख दी है अपनी पतीली, इसे पानी खुश करके ऑयल गरम करते हैं, इतनी देर वो ग्लैंड करते हैं, ठीक है। हसबे ज़रूरत आप लोगों ने ऑयल डालना है, जितने आपको नीड हो, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। ये देखिए जी, सही है, ये डाल दिया ऑयल। ये देखिए जितनी देर ऑयल गरम हो रहा है ग्लैंड कर लेते हैं। ये ग्राइंड होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी ग्राइंड हो रहा है, ये देखिए जी ये ग्राइंड हो गया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें दो तेज ये पत्ते डालेंगे, दो तीन से चार छोटी इलायची, तीन से चार लौंगे, दो अदरक, वो दालचीनी, ठीक है। इसके बाद हम जो हमने मसाला पीसा वो डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा इसको हम कर लेंगे हल्का सा ब्राउन सा, इसमें ऑयल, बिस्मिल्लाह, फिर हमने मसाला डालना, मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भुने नहीं जब तक इसका पानी खुश होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखें जी जब तक ये मसाला खुश हो रहा है इसमें हम हसबे ज़रूरत नमक डालेंगे अपने मुताबिक, जी गाइस। ये देखिए ये भुन चुका है, और देखिए ये ऑयल नज़र आ रहा है ना आपको, ये मैं टेढ़ा करके भी दिखा रही हूँ, इतना भुनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। इसमें दो अदर हरी मिर्च भी डाल देनी है, टेस्ट के लिए ज़्यादा मिर्चें चाहिए तो इनको काट के डाल दिएगा। ये अब मटर डालने लगे हैं हम, मटर डालेंगे, मटर ये मटर पाव है तो मटर डाल के इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये नरम हो जाए। ये साइडों में जो लगाए ना इसमें पानी डाल के हम जब लगाएंगे इसको दम पे हल्के पे रखेंगे ना दम के लिए सारा साफ़ हो जाएगा ये। तो ये हमने सारे मटर डाल दिए हैं, ये ठक ठक की आवाज़ है, मेरे कमरे में काम हो रहा है तो ये ठक ठक, जो अलमारी मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था मेरी अलमारी बन रही है वो हो रहा है। तो ये देखिए जी अब मटर को हम थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेते हैं, और इसमें हम डाल देते हैं पानी। ये देखिए जी मैंने पानी डाल दिया, पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि ये मसाले इसके अंदर हो बैठ जाए, इसके अंदर जब्स हो जाए, मिक्स के मसाले। ये देखिए जी करने के बाद इसको हमने देना है इसका ढक्कन, देखिए जी रख दिया है हमने ढक्कन, ढक्कन रखने के बाद इसकी आँच थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। ये देखिए जी आँच तेज़ कर दी है, और ये देखें ये पानी उसको हो रहा है नरम हो गया। ये देखिए मटर देखती हूँ गला या नहीं गला, ये मटर गल चुका है, ये देखिए जी ये मटर गल गया,
तो इतनी देर साथ साथ मेरी देवरानी पकौड़े बना रही थी, दूध बॉइल हो रहा हमारा। ये अब हम चावल डालने लगे हैं। चावल दाल तो डाल दिए जी, चावल को अच्छी तरीके से डालना है और इसके अंदर पानी डाल देना है जिस जितना ज़रूरत हो। और देखनी है, देखिए ये मेरी 1.5 इंच ना उसमें जा रही थी, इसमें ज़रूरत नमक डालना है और फिर पानी खुश्क हो गया है। खुश्क होने के बाद इसको हमें लगा देना है आधे घंटे के लिए हल्की आँच पे, ठीक है। तो हम जो तवा रखा है तवा करने रखने के बाद इसको कभी कर फिर आँच पे, फिर आँच पे रखने के बाद फिर मैंने कर दिया लो फ्लेम। फ्लेम के बाद अब ये जब पक जाते तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये ओके बन गए। माशाल्लाह 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 चावल है माशाल्लाह। कितना मज़ा आया ना खा के, बताऊँगी अम्मी।